Another example based on slack byte. Just मैंने previous session में discuss किया था, जब भी आप even number of bytes के form में allocation perform कराओ, then उस case में bytes का allocation किस format में perform हुआ? In the form of even number of bytes. लेकिन अगर आपने किसी भी variable का size odd bytes के form में allocate कराया है, odd bytes means maybe 1 bytes, 3 bytes, 5 bytes like that. इस case में operating system always check क्या करेगा? Beginning two means two variables के pairs के respect में check क्या करेगा? Allocation in the form of even number of bytes. अगर उसमें odd number of bytes appear होता है, तो odd number of bytes के respect में always एक extra unused byte create होगा, तो unused byte को named होगा जा slack byte. Check it. इस केस में मैं सबसे पहले मैं explain करूँगा your expected output. देन उसके just बाद मैं explain करूँगा actual output of this code, जिससे आपके लिए easily difference में ना possible. First case. जस्ट मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएंगे लोकल वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ स्टैक मेमोरी. स्टैक के रिस्पेक्ट में 11 बाइट्स के ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा हूं. इस केस में आपको कंटेंट चेक करने की जरूरत नहीं, ओनली एड्रेस के रिस्पेक्ट में आउटपुट चेक करना है. सपोज दैट इफ एड्रेस ऑफ ए इज 100, अगर ए का एड्रेस 100 है, देन व्हाट इज द एड्रेस ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल्स? 99 8 7 6 5 4 3 2 1. इस केस में जस्ट मैं एक्चुअल आउटपुट बताने वाला नहीं हूं, जस्ट पहले केस में मैं आपको एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं, योर एक्सपेक्टेड आउटपुट. मींस जस्ट इस केस में जैसे ही वेरिएबल एलोकेशन परफॉर्म हुआ, तो सबसे पहले क्रिएट किया हुआ वेरिएबल ए, सेकंड केस में एलोकेशन किसके लिए हो रहा है? 1 बाइट्स फॉर वेरिएबल बी. थर्ड केस में एलोकेशन किसके लिए होगा? 2 बाइट्स फॉर वेरिएबल सी. सी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? 2 बाइट्स, क्योंकि सी का टाइप क्या है? इंटीजर. देन 1 बाइट फॉर डी, देन 1 byte for, sorry, 2 bytes for E. Then इस केस में E का एड्रेस क्या है? 94. And C का एड्रेस क्या है? 97. अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट को आप चेक करोगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या प्रिंट होगा? एड्रेस ऑफ A. A का एड्रेस क्या है इस केस में? 100. Then एड्रेस ऑफ B. B का एड्रेस क्या है इस केस में? 99. Then एड्रेस ऑफ सी का एड्रेस क्या है? 97. देन एड्रेस ऑफ डी का एड्रेस क्या है? 96. मींस अभी मैंने कोई स्लैक बाइट क्रिएट नहीं किया है. एड्रेस ऑफ ई इज 94. इस केस में आपको जस्ट डिफरेंस चेक करना है. डिफरेंस कितने का? फर्स्ट केस में 1 का, सेकंड केस में 2 का, थर्ड केस में 1 का, नेक्स्ट केस में 2 का. अब मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. अगर एक्चुअल आउटपुट के रिस्पेक्ट में बात करें, रियल एलोकेशन परफॉर्म हुआ, रियल मेमोरी एलोकेशन हमेशा स्लैक बाइट और इवन नंबर ऑफ बाइट्स के फॉर्म में परफॉर्म हुआ, प्लस इवन नंबर ऑफ बाइट्स चेक करेंगे पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स. इस फर्स्ट केस में 2 वेरिएबल्स का पेयर चेक हुआ, नेक्स्ट केस में अगेन 2 वेरिएबल्स का पेयर चेक हुआ, लास्ट केस में आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है. याद रखना, सिंगल वेरिएबल के केस में कोई भी स्लैक बाइट क्रिएट नहीं हुआ. फर्स्ट केस, सबसे पहले क्रिएट किया हो रहा है वेरिएबल एलोकेशन फॉर ए. ए के लिए कितने बाइट्स रिक्वायर्ड? ओनली 1. देन एलोकेशन फॉर बी. बी के लिए कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है? 1. तो टोटल क्या है इसका? 2. और 2 अपने आप में क्या? इवन नंबर ऑफ बाइट्स और ऑड नंबर ऑफ बाइट्स? इवन नंबर ऑफ बाइट्स. मींस ए और बी के रिस्पेक्ट में कोई भी स्लैक बाइट क्रिएट नहीं हुआ. क्लियर? देन इस केस में फर्स्ट लोकेशन असाइन किसको? वेरिएबल ए. सेकंड लोकेशन असाइन किसको? वेरिएबल बी. नेक्स्ट केस में अगेन पेयर चेक करेंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ सी? सी का साइज क्या है इस केस में? 2 बाइट्स. व्हाट इज द साइज ऑफ डी? डी का साइज क्या है? 1 बाइट. इस केस में टोटल बाइट्स कितने हुए? 3. और 3 इटसेल्फ क्या है? इवन नंबर ऑफ बाइट्स और ऑड नंबर ऑफ बाइट्स? ऑड नंबर ऑफ बाइट्स. तो इस केस में जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 1 एक्स्ट्रा बाइट ऐड करेगा, इस एक्स्ट्रा बाइट को आप नेम दोगे एज अ स्लैक बाइट. क्लियर? लेकिन स्लैक बाइट किसके लिए क्रिएट हो रहा है? सी के लिए या डी के लिए? डी के लिए. क्या कोई ऑड साइज किसका? वेरिएबल डी का. तो सी के लिए जस्ट टॉप में 2 बाइट्स क्रिएट हो जाएंगे. दिस इज द मेमोरी एलोकेशन फॉर सी. तो सी का एड्रेस अभी भी क्या है? 97. बी का एड्रेस क्या है? अभी 99. ए का एड्रेस क्या है? 100. ये सभी बिगिनिंग 3 केसेस में कोई भी चेंज आ जाए क्या? नहीं. सेम. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद एलोकेशन किसके लिए हुआ? वेरिएबल डी के लिए. और डी के केस में स्लैक बाइट के मीन से डी का साइज क्या था? ऑड साइज, इसलिए एक्स्ट्रा बाइट ऐड होगा एज अ स्लैक बाइट. इस डी के रिस्पेक्ट में जस्ट डी के लिए मेमोरी एलोकेट कराने का. डी के जस्ट टॉप में जो नेक्स्ट बाइट क्रिएट होगा, इस बाइट को आप नेम दोगे एज अ स्लैक बाइट. मीन्स अनयूज्ड बाइट, इससे एक्स्ट्रा बाइट क्रिएट होगा, जो कि ना ही डी के लिए एलोकेट होने वाला और ना ही ई के लिए एलोकेट होने वाला. मीन्स नेक्स्ट टाइम जब ई के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, इसे स्लैक बाइट को छोड़ के स्पेस एलोकेशन पर फूंक रहा है. नेक्स्ट टाइम एलोकेशन किसके लिए होगा? वेरिएबल ई के लिए. तो इस केस में अगर इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग आउटपुट चेक करोगे, दिस इज द एक्चुअल आउटपुट. तो एक्चुअल आउटपुट में अभी भी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए का एड्रेस क्या है?
100, नो चेंज। बी का एड्रेस क्या है, बी भी 99, नो चेंज। सी का एड्रेस क्या है, बी भी 97, नो चेंज। क्लियर। नेक्स्ट वन डी का एड्रेस, डी के रिस्पेक्ट में बात करें तो डी का एड्रेस क्या है, बी भी 96, स्टिल नो चेंज। नेक्स्ट वन एड्रेस ऑफ ई, प्रीवियस केस में ई का एड्रेस क्या था, 94, लेकिन करंट केस में ई का एड्रेस क्या है, 93। तो द एक्चुअल आउटपुट इफ एड्रेस ऑफ ए इज 100। क्लियर। अगर ए का एड्रेस 100 है तो उस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, दैट वन। लेकिन आपके सिस्टम में एड्रेस कुछ भी हो, आपको एड्रेस चेक नहीं करना, एड्रेस को कंसोलिडेट नहीं करना। कंसोलिडेट क्या करना, डिफरेंस। फर्स्ट केस में डिफरेंस कितने का है, 1 का। सेकंड केस में डिफरेंस कितने का है, 2 का। थर्ड केस में डिफरेंस कितने का है, 1 का। और फोर्थ केस में डिफरेंस कितने का है, 3 का। क्लियर। इस हिसाब से डिफरेंस को कंसोलिडेट करोगे। सेम एज इन केस ऑफ स्ट्रिंग, स्पेशली याद रखना, अगर आप मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल्स के फॉर्म में करा रहे हो, देन उस केस में स्लैक बाइट हमेशा, जैसे स्लैक बाइट प्रीवियस केस में किसके लिए क्रिएट हुआ था, डी के लिए, तो डी के बॉटम पार्ट में क्रिएट हुआ, डी के टॉप पार्ट में क्रिएट हुआ, टॉप। लेकिन सेम एलोकेशन अगर आप इवन ऑड नंबर ऑफ बाइट्स के केस में अगर एरे के लिए एलोकेशन करा दो, एरे के केस में स्लैक बाइट ऑलवेज बॉटम पार्ट में क्रिएट हुआ, ना कि टॉप पार्ट। इसलिए मैंने सेकंड एग्जांपल कंपेयर करने के लिए एक्सप्लेन किया है। इस केस में चेक कर सकते हो एरे ए का साइज क्या है, 4। इसे ए का साइज इटसेल्फ कैसा है, इवन, डजंट मैटर। दूसरा केस, यहाँ आपको पेयर ऑफ वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है। ए का साइज कैसा, इवन। देन बी के रिस्पेक्ट में आपको बी के अंदर कितने कंटेंट्स हैं, 3। और बी का साइज कैसा, इवन और ऑड, ऑड। देन बी के लिए क्रिएट किया हुआ अगेन स्लैक बाइट, चेक इट। मैं डायरेक्टली एक्चुअल आउटपुट एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस केस में। फर्स्ट वन एड्रेस इज 100, 99, 98, 7, 6, 5, 4 and 93। इसे डायग्राम अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इसका मेन इंपॉर्टेंट केस क्या है, कई बार क्या रहता है आपके सामने स्ट्रिंग से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसका मेन रीजन क्या रहता है, विदाउट नोइंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैक वर्ड। अगर आपको स्लैक वर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पता, देन उसके संग आपके प्रोग्राम के साथ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जनरेट हुआ, देन आप उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्लियर। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन किया कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैक वर्ड। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्रिएट हुआ एरे ए, और ए का साइज क्या है, ऑलरेडी इवन। ए के लिए कितने बाइट्स है, लोकेट हो जाएंगे 4 बाइट्स, प्लस ए में कंटेंट्स प्रोवाइड किए, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी। लास्ट केस में साइन हो जाएगा डिफॉल्ट कैरेक्टर इज नल। क्लियर। नेक्स्ट वन सेकंड केस में बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो बी का साइज क्या है, इवन और ऑड, ऑड साइज। बी इटसेल्फ 3 कंटेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेशली याद रखना बी के केस में कितने कंटेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 3 कंटेंट्स। तो यहां आपको पेयर ऑफ वेरिएबल्स चेक करने की जरूरत नहीं है, बी इटसेल्फ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो यहां डायरेक्टली बी के रिस्पेक्ट में साइज चेक करेंगे तो बी का साइज क्या है, 3। बी के रिस्पेक्ट में एक्चुअल साइज क्या है, 3। और 3 का इवन साइज और ऑड साइज, ऑड साइज ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इवन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बी के रिस्पेक्ट में एक एक्स्ट्रा अनयूज्ड बाइट रखेगा, इसे अनयूज्ड बाइट को अगेन नेम दोगे जैसे स्लैक बाइट। लेकिन इस केस में एक्स्ट्रा अनयूज्ड बाइट बॉटम पार्ट में क्रिएट होगा एरे के केस में, ना कि टॉप पार्ट। क्लियर, चेक इट। इस केस में एरे ए के लिए बी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट हो रहे हैं, 3 बाइट्स। तो टॉप 3 बाइट्स के रिस्पेक्ट में इस लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा, बी, प्लस इस बाइट को आप नेम दोगे जैसे स्लैक बाइट, दिस इज स्लैक बाइट। क्लियर। नेक्स्ट वन बी के केस में आसान क्या हो रहा, पी देन क्यू देन आर, मीन साइज भी कितना एलोकेट किया, 3 बाइट्स। कैरेक्टर भी कितने इनिशियलाइज किए, ऑल्सो 3 कैरेक्टर्स। मीन नल के लिए कोई स्पेस है क्या इस एरे के पास, नहीं, कोई भी स्पेस नहीं है। अब इसे स्लैक बाइट में कौन सा वैल्यू स्टोर है, इसको एक्सपेक्ट करना पॉसिबल, इसलिए इसको कंसिडर करेंगे जैसे गार्बेज वैल्यू और गार्बेज कैरेक्टर। क्लियर। सम अननोन वैल्यू, मीन कुछ भी हो सकता है, इस केस में कोई भी रिजल्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या करा है, एड्रेस ऑफ ए, ए के रिस्पेक्ट में एड्रेस की बात करें तो ए का एड्रेस क्या है इस केस में, 97। एड्रेस ऑफ बी, बी का एड्रेस क्या है, 93। तो अगेन इस केस में आपको ये चेक नहीं करना अपने सिस्टम में कि आपके सिस्टम में एड्रेस क्या प्रिंट हो रहा है, या चेक करना डिफरेंस ऑफ टू एड्रेस। अगर स्लैक बाइट क्रिएट नहीं होता, देन उस केस में बी का एड्रेस क्या होना चाहिए था, 94। देन डिफरेंस कितने का क्रिएट होता, 3 का। लेकिन रियल डिफरेंस 3 का या 4 का, डिफरेंस कितने का है इस केस में, जस्ट 4। क्लियर। नेक्स्ट वन डिस्प्ले करा है ए, ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए में क्या है, सबसे पहले ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, ए का बेस एड्रेस 97। तो प्रिंट एप किस प्लेस से कैरेक्टर रीड करना स्टार्ट करे, फ्रॉम 97 ऑनवर्ड्स। 97 में क्या फाउंड हो रहा है, कैरेक्टर ए, प्रिंट क्या हुआ, ए।
नेक्स्ट प्लेस पर क्या फाउंड हो रहा है बी, नेक्स्ट प्लेस पर क्या फाउंड हो रहा है सी, देन नेक्स्ट बाइट में क्या नल, जैसे इसको नल मिलेगा देन रीड करना स्टॉप कर दिया प्लस स्लैश एन की वजह से, सॉरी देन इसके बाद क्या स्पेस, नॉट अ स्लैश एन, मैं जस्ट स्पेस पर स्लैश एन अप्लाई कर रहा हूँ जिससे नेक्स्ट आउटपुट और बी का कंटेंट डिस्प्ले का होगा ऑन द नेक्स्ट लाइन। देन बी के रिस्पेक्ट में बी का बेस एड्रेस क्या है 93, तो बी के प्लेस पर क्या पास होगा 93। इसके इसमें प्रिंट एफ फंक्शन डेटा के प्लेस रीड करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 93 ऑनवर्ड्स, और 93 लोकेशन में फाउंड क्या हो रहा है सबसे पहले पी, देन नेक्स्ट बाइट में क्या है क्यू, नेक्स्ट बाइट में क्या है आर, नेक्स्ट बाइट में क्या है नल और सम गार्बेज वैल्यू, सम गार्बेज वैल्यू, तो इस प्लेस पर कौन सा वैल्यू प्रिंट हुआ इसको एक्सपेक्ट करना पॉसिबल, स्पेशली याद रखना। देन इसके जस्ट बाद अभी तक कहीं नल नहीं मिला, नेक्स्ट केस में क्या ए, सिमिलरली बी, सिमिलरली सी, एंड फाइनली बी सी के बाद फाइनली क्या मिलेगा इसको नल, देन रीड करना स्टॉप कर दिया। तो इस केस में कॉन्सेंट्रेट करना दिस गार्बेज वैल्यू, मीन्स मिडिल में क्या प्रिंट हो जाएगा जस्ट गार्बेज वैल्यू, प्लस एड्रेस में कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 4 बाइट्स का, एरे के केस में सिलेक्ट बाइट टॉप पार्ट में क्रिएट हुआ है बॉटम पार्ट मीन्स एंड ऑफ द एरे, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्ट बाइट्स, क्लियर।